हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण साहनी और आप देख रहे हैं राजनीति। चुनौती स्वीकारी है तो निभानी पड़ेगी ही। पीएम मोदी ने भारतीय क्रिकेट कप्तान विराट कोहली का फिटनेस चैलेंज स्वीकार किया था। 3 हफ्ते जरूर बीत गए, लेकिन पीएम मोदी ने फिटनेस चैलेंज पूरा करके दिखाया, वो भी कुछ अलहदा तरीके से। साथ ही इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए पीएम मोदी ने कुमार स्वामी और मणिका बत्रा के साथ सभी आईपीएस अधिकारियों को फिटनेस की चुनौती दे डाली। फिटनेस के लिए पीएम का पंच तत्व मंत्र। पीएम मोदी ने स्वीकारी विराट कोहली की चुनौती। पीएम मोदी ने पूरा किया फिटनेस चैलेंज। पीएम नरेंद्र मोदी ने विराट कोहली की चुनौती पर बुधवार को खुद का फिटनेस वीडियो शेयर किया। साथ ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री कुमार स्वामी और टेबल टेनिस खिलाड़ी मणिका बत्रा को फिटनेस चुनौती दी। साथ ही पीएम मोदी ने भारतीय पुलिस सेवा के 40 साल से ज्यादा उम्र के अफसरों को फिटनेस चैलेंज के लिए नॉमिनेट किया। पीएम मोदी इस वीडियो में व्यायाम, योग और वॉक करते हुए दिख रहे हैं। बता दें कि सोशल मीडिया पर फिटनेस चैलेंज की शुरुआत खेल मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने की थी। वो फिटनेस के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए ट्विटर पर मुहिम चला रहे हैं। इस मुहिम में अब तक स्पोर्ट्स से लेकर फिल्म जगत के लोगों ने भी हिस्सा लिया है और अपने वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किए थे। पीएम मोदी ने 1 मिनट 48 सेकंड का वीडियो हम फिट तो इंडिया फिट मुहिम के तहत शेयर किया है और लिखा है कि मेरी वॉक पंच तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि ये बेहद ताजा और कायाकल्प करने वाला है। मैं प्राणायाम भी करता हूँ। वीडियो में मोदी सबसे पहले घास पर बने एक्यूप्रेशर ट्रैक पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। वो हाथ ऊपर उठाकर सामने चल रहे हैं और फिर हाथ जोड़कर पीछे की ओर चल रहे हैं। इसके बाद वो एक गोल चट्टान पर घुटने मोड़ते हुए स्ट्रेचिंग कर रहे हैं। इसके बाद मोदी इसी चट्टान पर पीठ के बल लेट जाते हैं और हाथ पीछे करते हुए योगासन कर रहे हैं। इसके बाद मोदी हाथ में डंडा लिए दिख रहे हैं। वो पहले छोटे पत्थरों पर चल रहे हैं, उसके बाद पत्थरों के पास पंच तत्वों के सिद्धांत पर बने विशेष एक्यूप्रेशर ट्रैक की कोर पर चलते हुए दिख रहे हैं। ये कोर ग्रेनाइट की है और मोदी बैलेंस बनाते हुए इस पर चल रहे हैं। मोदी मुख्य ट्रैक पर दिख रहे हैं। ये एक विशेष ट्रैक है, इसमें मोदी लकड़ी, पानी, मिट्टी, घास, नदी के मोटे गोल पत्थर, बड़ी रेती, बालू रेत के खांचों पर चलते हैं। इन तत्वों से बने हर खांचे में मोदी धीरे धीरे पैर जमाते हुए 3 से 4 कदम चल रहे हैं। फिर मोदी ट्रैक की बाहरी कोर पर चलते हुए दिखाई देते हैं। इसमें वो दोनों हाथ फैलाकर बैलेंस बनाते हुए थोड़ा तेजी से वॉक करते हुए नजर आ रहे हैं। बाद में मोदी पंच तत्व के ट्रैक पर रेत और नदी के मोटे गोल पत्थरों के खांचे में खड़े होकर प्राणायाम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो के आखिरी हिस्से में मोदी गोल चट्टान पर बैठकर भ्रामरी प्राणायाम करते हुए दिख रहे हैं। पीएम मोदी ने ट्विटर पर लिखा है कि मैं सभी से अपील करता हूं कि फिटनेस के लिए कुछ समय जरूर निकालें। जिस एक्सरसाइज को आप आराम से कर सकते हैं उसका अभ्यास करें, इससे आपको जीवन में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। पीएम के फिटनेस चैलेंज पर मणिका बत्रा ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने मुझे फिटनेस चैलेंज के लिए नॉमिनेट किया है, मैं इस बात के लिए खुश हूँ। पीएम द्वारा ये एक बहुत अच्छी पहल है। बहुत अच्छा लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर ने खुद मुझे नॉमिनेट किया इस चैलेंज के लिए, क्योंकि बहुत बड़ी बात होती है और बहुत कम लोगों को ये चांस मिलता है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो खुद नॉमिनेट करें। फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट हो गया डेली लाइफ में, नॉट ओनली इन स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में ऑब्वियसली चाहिए होता है फिट रखने के लिए अपने आप को। जैसे हमारी गेम में क्विक मूवमेंट होती है तो उसके लिए हमें अपने आप को एजिलिटी ज़्यादा करनी चाहिए। तो बट जो नॉन स्पोर्ट्स वाले हैं उनको भी अपने डेली लाइफ में अपने आप को फिट और हेल्दी रखना चाहिए और बिजी रखना चाहिए कि वो भी फिट रहे और उन्हें ज़्यादा इंजरीज या कुछ ना हो। सबसे पहले खेल मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने सोशल मीडिया पर विराट कोहली को चैलेंज दिया। इसकी शुरुआत उन्होंने 22 मई को की थी। इसके बाद विराट ने 24 मई को प्रधानमंत्री अनुष्का शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी को फिटनेस चुनौती दी थी। मोदी ने चैलेंज स्वीकार करते हुए कहा था कि विराट मुझे चैलेंज मंजूर है,
मैं जल्द ही अपना फिटनेस वीडियो शेयर करूंगा। उधर कर्नाटक के मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी ने मोदी के चैलेंज का जवाब देते हुए कहा है, मैं खुद को सम्मानित महसूस कर रहा हूं। मेरे स्वास्थ्य के प्रति चिंता व्यक्त करने के लिए मैं आपका आभारी हूं। फिजिकल फिटनेस सभी के लिए जरूरी है और इसे सपोर्ट करना चाहिए। योग और ट्रेडमिल मेरे वर्कआउट का हिस्सा है, मगर मैं अपने प्रदेश के विकास की सेहत के लिए चिंतित हूं और आपसे सहयोग चाहता हूं। केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ फिटनेस के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए ट्विटर पर मुहिम चला रहे हैं। उन्होंने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया था। इसमें वो अपने ऑफिस में पुशअप्स करते हुए दिखाई दे रहे थे। वीडियो के साथ उन्होंने विराट, साइना नेहवाल और ऋतिक को चैलेंज किया था। राठौड़ ने हम फिट तो इंडिया फिट हैशटैग से ट्विटर पर ये फिटनेस चैलेंज शुरू किया है, जिसके लिए उन्होंने सिनेमा और खेल जगत की कई हस्तियों से इस मुहिम में शामिल होने की अपील की थी। राठौड़ की इस मुहिम को ट्विटर पर लोगों ने काफी सराहा है और अपने वीडियो और फोटो भी शेयर किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस।